सांसद अजय भट्ट को मकान की तलाश है। यही कारण है कि काशीपुर में उत्तराखंड सांसद अजय भट्ट ने पत्रकार वार्ता के दौरान एक ऐसी बात कही जो चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां उन्होंने खुद का मकान न होने पर उनकी पत्नी द्वारा ताने मारने की बात कही है। बता दें कि गुरुवार को सांसद अजय भट्ट काशीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कोरोना वायरस के दौरान सरकार द्वारा जनता की जा रही मदद और अधिकारियों के सामने आ रही परेशानियों के बारे में पत्रकारों को बताया। पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा जनता से दूरी और न मिलने का सवाल पूछे जाने पर उन्होंने अपना दर्द पत्रकारों के सामने बयां किया। सांसद अजय भट्ट पत्रकारों के बीच उनकी पत्नी द्वारा मकान को लेकर ताने मारे जाने की बात कही है। साथ ही सांसद अजय भट्ट ने बताया कि सरकारी आवास के अलावा उनके पास रहने को अपना मकान नहीं है। फिर हम तो इस जो यहाँ पर आए हैं, अब मुझे चिंता क्या हो रही है, आप मुझे जानते हैं मैं कैसी स्थिति में हूँ। आप लोग तो भगवान के लिए, मैं समझता हूँ किसका मकान नहीं है इसमें, दो चार लोगों का नहीं होगा आपके पास। मेरे पास अपना रहने को मकान नहीं है। आज वो सरकारी मकान छूट रहा है, मेरी पत्नी ने कील चुबा रखी थी पत्रकारों के बीच में, बोला क्या किया तुमने आज तक मकान नहीं बनाया, ये नहीं करा, दर दर भटक रहे हैं। अब मुझे वहाँ सामान कहाँ ले जाऊँ, वहाँ हो रही है हल्द्वानी भी फ्री का मिलता है मुझे, वो साकेत ने दे दिया यार लड़ने के लिए, कार्यकर्ता का मकान है। कह रहा भाई साहब मेरे पास बहुत है, दो साल और लगवा, तो अपना तो है ही नहीं, तो घर में तो आश्वासन दे रहेगा इस बार इस बार करेंगे। तो इसलिए भाई साहब ऐसा नहीं है कि हम जो आप कह रहे हैं कहाँ जाऊँ, अरे मेरा पता आपके पास, मेरा फोन नंबर है सर मेरे।